काफी कठिन जिम्मेदारी है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईसी मिस्टर ग्यालपी वांग्या और वेरी पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लद्दाख श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड माय बेस्ट फ्रेंड श्री तोपसंग जी एंड द सेक्रेटरी डीआरडीओ डॉक्टर सतीश रेड्डी जीओसी हेडक्वार्टर 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और डीजी लाइफ साइंसेस डॉक्टर ए के सिंह डायरेक्टर बिहार डॉक्टर ओ पी चौरसिया और यहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स डिग्निटीज और हमारे सभी सम्मानित किसान और बहादुर जवान और इसके अतिरिक्त जो बचे हों अन्य सभी मेहमान, मैं भी अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और सचमुच इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे बेहद खुशी हुई है। क्योंकि जब सेक्रेटरी डीआरडीओ श्री सतीश रेड्डी ने मुझे इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी तो जैसा उन्होंने बतलाया आपको तो मुझे अपनी कंसेंट देने में क्षण भर की देर नहीं लगी थी, क्योंकि दोनों इसमें शामिल थे, किसान भी शामिल था और जवान भी शामिल था और एक तीसरा फैक्टर वो विज्ञान भी शामिल था। तो मैंने कहा इस ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर जिंदगी में बहुत ही सौभाग्य से हासिल होता है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं चलूंगा। और यहां तक लद्दाख का प्रश्न है, लद्दाख में पहली बार नहीं आ रहा हूं, इसके पहले भी कई पब्लिक मीटिंग्स को तुपसंग जी एड्रेस करने के लिए इसके पहले भी आ चुका हूं और उसके अतिरिक्त भी मैं आया हूं और मुझे मालूम है कितनी विपरीत परिस्थितियों में यहां को लोगों को अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है, लेकिन जैसा माहौल है जैसी परिस्थितियां हैं उसी में वो पूरी तरह से रचे बसे और जो भी चैलेंजेज हैं यहां के उन चैलेंजेज पर उन्होंने एक प्रकार से विजय हासिल कर ली है। सबसे बड़ी विशेषता यहां की है और मैं ये कहूं कि सारी चुनौतियों के रहते हुए भी लद्दाख के लोगों को मैं मुस्कुराते हुए देखता हूं तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। ज्यादा ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड पर किस प्रकार की चुनौतियों का किस प्रकार की दुश्वारियों का मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, क्योंकि इसका अनुभव करने के लिए एक बार जब मैं होम मिनिस्टर था तो मैं एक बीओपी पर गया था, आईटीबीपी की बीओपी और इसी लद्दाख में ही है वो बीओपी, उसका नाम था दुंगती। तो उस समय के हमारे डायरेक्टर ने कहा कि सर रात को रुकना ठीक नहीं है, एक तो ठंड पड़ती है, पानी जम जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो मैंने उनसे कहा कि यदि हमारे जवान महीनों यहां अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं तो उनका मंत्री यहां रुक क्यों नहीं सकता है? और वहां मैं जवानों के साथ रुका था और आते समय बीच रास्ते में कुछ यहां के जो नागरिक भी मिले थे उन नागरिकों के साथ भी हमने बातचीत की थी। यदि मैं ये कहूं कि सचमुच लद्दाख में रहने वाले चाहे जवान हो और किसान हो वो एक तपस्वी का जीवन गुजार रहे हैं तो यह कहना भी एग्जेगरेशन नहीं होगा, यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। सामान्य माहौल में सामान्य वातावरण हो, सामान्य परिस्थितियां हो, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो, उनमें काम करना यह कुछ सहज और सरल होता है, लेकिन जहां चुनौतियां हो हर प्रकार की
यहाँ पर श्वास लेना भी कठिन हो। मैं बैठे बैठे मैं बराबर इन्होंने हमारे डॉक्टर सतीश रेड्डी जी ने कहा कि साहब जरा पानी पीते रहिए, क्योंकि यहाँ आने वालों को एक दिन दो दिन रुक कर एक्लिमेटाइजेशन की जरूरत होती है, और एक बार मैं भुगत चुका हूं। मैंने कहा मुझे क्या होगा, और एक बार मैं आया हेलीकॉप्टर से उतरा और सीधे मैं पब्लिक मीटिंग में पहुंच गया। अच्छी खासी गैदरिंग थी, 5 मिनट बोलने के बाद मैं मिस करने लगा मुझे क्या बोलना चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि एक्लिमेटाइजेशन किसे कहते हैं, क्यों जरूरी है, तब जाकर मुझे समझ में आया था। और मेरी जानकारी में आया है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था DRDO सेना और अन्य सुरक्षा बलों के लिए मॉडल BOPs यहां पर तैयार करने का काम कर रही है, क्योंकि यहां की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से निपटना अथवा उन चुनौतियों के रहते हुए यहां जिंदगी गुजारना अपेक्षाकृत बेहतर होगा, कंपैरेटिवली ये इजियर होगा, यह मुझे बताया गया। रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब देखिए हाई एल्टीट्यूड पर जाने की स्वाभाविक हमारी इच्छा होती है, इसलिए क्योंकि हमारा जवान रहता है। जब मैं रक्षा मंत्री बना तो पहले दिन जब मैं ऑफिस गया तो उसके बाद ऑफिस से लौटने के बाद तुरंत मैंने अपने आर्मी चीफ को टेलीफोन किया। मैंने उसे कहा कि मैं कल या परसों जो वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है सियाचिन में जाना चाहूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि हमारे जवान वहां किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि मैं वहां पर गया सियाचिन और वहां के जवानों से मैं मिला। और सचमुच मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन जवानों से मिलकर मेरा हौसला बुलंद हुआ है, और मैं तो देशवासियों को भी बतलाना चाहता हूं कठिन परिस्थितियों में भी, यानी वो अपना शेव भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी काली काली उन सारे जवानों की दाढ़ी है, और उसमें भी मुस्कुराते हुए वही जज्बा वही गर्मजोशी जो मैंने देखी। मैंने कहा कि सचमुच ये हमारे जवान कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि सचमुच ये देश की रक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी खपा रहे हैं। और वहां मिलने के बाद मैंने कहा कि मैं यहां से वापस जा रहा हूं तो आपके माता और पिता को मैं पत्र लिखूंगा कि मैं आपसे मिला हूं, उस स्थान पर जाकर मिला हूं, और आप लोग सही सलामत हैं। आपका जज्बा आपका हौसला यह बहुत ही बुलंद है। और मैं जाकर मैंने सारे ऐसे जवानों जिन जवानों से मिला था सबके माता पिता को मैं पत्र लिखा कि आप जैसे मां बाप पर हम सभी को सारे देशवासियों को नाज है, ये गौरव की अनुभूति। उनको मैंने पत्र लिखा। लद्दाख का जहां तक प्रश्न है इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को सामरिक महत्व को आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, और सामरिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस लद्दाख का, तो स्वाभाविक रूप से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनता की भी बनती है और साथ ही साथ जवानों की भी बनती है, और दोनों बखूबी यहां की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा बराबर लंबे अरसे से हम लोगों की नजर थी लद्दाख के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, और डिवीजन तो जब मैं पिछली बार था उसी समय बन गया था लद्दाख, अवसर मिला। सचमुच हम सबको अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का हमारे प्रधानमंत्री जी ने परिचय दिया। लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन गया, और वर्षों से मैं जानता हूं आता रहा हूं, जब भी कोई डेलीगेशन मुझसे मिलता था 10-15-20 डेलीगेशन जब मैं आया हूं यहां मुझसे मिले हैं, सबने बराबर मांग किया साहब इसको यूटी बनाइए यूटी बनाइए। और अब से हमारे जो यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ऋषभ शेरी वो मुझसे कह रहे थे कि साहब अब भी यहां पर गांव में नाच गाना चल रहा है, लोग उत्सव मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख ये घोषित हो गई।
हम लोगों ने जन भावना का सम्मान किया है। और सचमुच कोई भी हेल्दी डेमोक्रेसी होगी, हेल्दी डेमोक्रेसी बराबर जन भावना का आदर करेगी ही करेगी। और हम लोगों ने वही काम किया है, कोई गलत नहीं किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्टिकल 370 को समाप्त करना, यह हमारा कमिटमेंट था। ऐसा नहीं है कि एकाएक हम लोगों की गवर्नमेंट बनी और हम लोगों ने उसे कर दिया। हमने देश की जनता के साथ धोखा नहीं किया है, छला नहीं है। प्रारंभ से ही जब से हम अस्तित्व में आए हैं, माने पार्टी के रूप में, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में, बराबर कहते रहे हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 समाप्त होगा और जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट होगा ही होगा। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होगा सारे देश का। दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। और आपने देखा कि वो उसे हम लोगों ने कर दिया है। सचमुच प्रधानमंत्री जी को इस साहसिक कदम के लिए बधाई दी जानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारी लद्दाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता हमारे इस फैसले के साथ खड़ी है। लेकिन पता नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ यार। अरे लोग चाहते हैं, आप क्यों परेशान हो? आप पहले टेररिज्म अपने यहां रोको। आप हमारे पड़ोसी हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बराबर ये कहा करते थे, भाई पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम लोग भी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, बेहतर हों। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहो, तो करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी? और सारी दुनिया, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस सवाल पर, मैं समझता हूं कि ऑन बोर्ड है, साथ खड़ी है। और उसको कश्मीर को लेकर अनावश्यक राग अलापने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पीओके में हो रहा है और जिस गैर कानूनी तरीके से वहां की जनता के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान को उसकी चिंता करनी चाहिए। सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है। और मैं तो पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया? क्या आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? कश्मीर कब पाकिस्तान का था? अरे भाई, पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? क्यों अनावश्यक रोते हैं? हम, आप पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वो आप बोलते रहें और जानबूझकर बड़े प्लांड वे में कश्मीर के सवाल पर बराबर बयानबाजी करते रहें। दुनिया का कोई देश इसकी इजाजत उनको आपको नहीं देगा। पहले से ये बात तय थी, कश्मीर हमारा है, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं था। जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी बन गई है और आर्टिकल 370 को जो हम लोगों ने समाप्त किया है, सचमुच आर्टिकल 370 को समाप्त करना ये हमारा इंटरनल मैटर था। और हमारी कुछ दिनों पहले
अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनको डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं, वहां के डिफेंस सेक्रेटरी से बात हो रही, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया और कहा कि नहीं सचमुच यह कश्मीर का मुद्दा तो इशू तो आर्टिकल 370 समाप्त करना तो यह तो आपका इंटरनल इशू है, उन्होंने भी खुद स्वीकार किया। और पाकिस्तान का कश्मीर में कोई लोकल स्टैंडाई नहीं, कोई लोकल स्टैंडाई नहीं, लेकिन फिर भी तरह तरह की बातें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के द्वारा की जाती हैं। हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान पीओके पाकिस्तान पर, यह सब तो जहां तक है वो सब भारत के ही हिस्से हैं। 94 में हमारी मेंबर, हमारी पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन भी किया है इसके बारे में। और जहां तक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रश्न है, यह बनाते समय हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत की यह एक स्ट्रेटेजिक एरिया है और यहां की समस्याओं के लिए किसी भी हद तक जाकर हम समाधान निकालेंगे। हमारी यह कोशिश होगी कि स्थानीय स्तर पर ही यहां की समस्याओं का समाधान निकाला जाए, और समाधान लद्दाख की समस्याओं का निकलेगा, मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं। और हमारे सीसी ने जो एक मांग पत्र दिया है उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, मैं इन सारी चीजों को मैं देखूंगा, हमसे जो संबंधित होगा मैं उसका समाधान करूंगा, और दूसरी मिनिस्ट्री से जो रिलेटेड होंगे कंसर्न मिनिस्ट्रीज को भी मैं लिखूंगा ताकि यहाँ की प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो सके। और यहाँ तक इस इलाके की सबसे बड़ी चुनौती है हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड डिजर्ट क्लाइमेट, जिसका असर काफ़ी जनजीवन और वातावरण पर पड़ता है, खासतौर पर जो लोग सुरक्षा बलों और सेना में काम करने के कारण यहाँ पर तैनात हैं उनकी कठिनाई और भी बढ़ जाती है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि डीआरडीओ की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जिसे बोलचाल की भाषा में अतिहार बोलने लगे हैं, इन्हीं समस्याओं के समाधान के साथ साथ हिमालय की ऊंचाइयों और तन्हाइयों में देश की स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम को मजबूती देने का भी यह डीआरडीओ यहां पर बहुत ही प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। और बिहार द्वारा आयोजित आज की यह लद्दाखी किसान जवान विज्ञान यह मेला लद्दाख में स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज यहां आम लद्दाखी किसान भी आए हैं, देश की सुरक्षा में लगे यहां पर जवान भी मौजूद हैं, और इन दोनों को सपोर्ट करने वाला जो विज्ञान है उससे जुड़े वैज्ञानिक भी यहां पर मौजूद हैं। तो यदि मैं यह कहूं कि सचमुच यह जो आयोजन हुआ है, यह जो कार्यक्रम हुआ है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इस थीम पर आधारित है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और बिहार का मैंडेट है हाई एल्टीट्यूड पर बेटर एंड फिटर सर्वाइवल। बेटर एंड फिटर सर्वाइवल कैसे हो इसका समाधान निकालना, और वह बखूबी बिहार इस काम को कर रहा है। और इस बिहार लैब की न्यू ही 1962 में रखी गई थी, ऐसा मुझे बतलाया गया, जब हमारे देश ने अनुभव किया कि हमारे सैनिकों को हाई अल्टीट्यूड पर लड़ने में किस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, और हाई अल्टीट्यूड पर भी हमारे जवानों की वह ताकत होनी चाहिए ताकि दुश्मनों के साथ वह ठीक तरीके से लड़ सके। इस बात को ध्यान में रखकर ही इस बिहार की स्थापना 62 में हुई थी, और 57 वर्ष बिहार ने पूरे कर लिए, 3 साल ही बाकी हैं 60 होने में। पता नहीं लद्दाख में कहा जाता है कि नहीं, हम लोगों को कहा जाता है जो साठा वो पाठा, माने जो 60 हो जाता है वो मेच्योर्ड हो जाता है, जिसकी 60 की एज हो जाती है वो मेच्योर्ड माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि 60 हो जाएगा तब तो आपका वो होगा, कौन सी जुबली होगी, डायमंड जुबली। हैं
प्लैटिनम 75 में, और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि बिहार से ट्रेनिंग प्राप्त करके लद्दाख के किसानों ने यहाँ पर तैनात सैनिकों की सब्जी को, और भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बतला रहे थे इसे शेयरिंग, ये भी बतला रहे थे कि जवानों को इतनी जरूरत होती है उसका 50% अब यहाँ के किसान मुहैया करा रहे हैं। और मुझे अपनी डीआरडीओ सेक्रेटरी मिस्टर सतीश रेड्डी ने बताया कि गर्मी के दिनों में तो 70% मोर देन 70% जितनी नीड्स हैं, जितनी आवश्यकता है हमारे जवानों की, वह उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। लद्दाख में ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसकी पूरी अत्यधिक संभावना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ यह लद्दाख तेजी के साथ बढ़ रहा है, ये मुझे बताया गया है। और मैं बिहार के वैज्ञानिकों से भी यही कहना चाहूँगा कि लद्दाख में फार्मिंग और लाइफ साइंसेस को बढ़ावा देते समय उन नई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिसाइकिल और रीयूज कर सकें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से 15 अगस्त को देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से छुटकारा दिलाना है, माने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हमको समाप्त करना है और इस दिशा में हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है, यह हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है। और मैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट से यह मैं अपील करना चाहूँगा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस फार्मिंग के लिए जो हम ग्रीन हाउस बनाते हैं उसमें क्या हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके ग्रीन हाउस बना सकते हैं, इस संभावना पर एक बार विचार करें। यदि हो सकता है तो यदि इसको रिसाइकिल करके यदि बनाया जा सकता हो, मुझे नहीं मालूम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं देखता हूं प्लास्टिक वेस्ट से जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं ऐसी ऐसी चीजें बन जाती हैं रिसाइकिल करने की बात, तो यदि यह संभव हो तो इस पर देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे ग्रीन हाउस फार्मिंग ज्यादा एफोर्डेबल होगी और हम लद्दाख के हार्मफुल प्लास्टिक वेस्ट से भी हम लद्दाख को छुटकारा दिला सकते हैं। यदि लद्दाख के किसान और जवान तय कर लेंगे कि हमें 2022 तक इस यूनियन टेरिटरी को न केवल सिंगल प्लास्टिक यूज से छुटकारा दिलवाना है बल्कि पूरी यूपी को ऑर्गेनिक फार्मिंग से युक्त करना है, तो मैं समझता हूँ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के इनिशिएटिव को मिशन मोड में अपनाया है, जैसा सीसी मुझसे बतला भी रहे। यूटी बन जाने के बाद हम ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन को और भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बढ़ावा देने की लिए जो भी आवश्यक सहयोग होगा पूरा सहयोग देगी। बिहार को लेकर मेरा एक विजन है कि आप लोग हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल का एक ऐसा मॉडल तैयार करें जिसे हमारे देश में सेना में वह ताकत और कुवत पैदा हो जाए जो हाईएस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हमारे जवानों के मनोबल को किसी भी सूरत में डिगने न दे। एक ऐसा मॉडल डेवलप करने की जरूरत है, मैं समझता हूँ कि डीआरडीओ बिहार इस काम को कर सकता है। और मेरा यह मानना है कि भारतीय सेना हाई एल्टीट्यूड वारफेयर में दुनिया की किसी भी फौज को पीछे छोड़ सकती है, यह ताकत हमारे देश की सेना के जवानों में है। आवश्यकता है कि हम एक स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम बनाएं जिसमें जियोग्राफिक और के साथ साथ क्लाइमेटिक लिमिटेशंस हमारी यह स्ट्रेंथ बन जाएं, ये दोनों हमारी यह ताकत बन जाएं, एक ऐसा माहौल बनाने की यहां पर जरूरत है। जैसा मैंने बताया कि यह कोई संयोग नहीं है कि 2022 में जब भारत अपनी आजादी का ये 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो बिहार अपनी 60 वर्ष पूरा करके डायमंड जुबली ईयर यह कार्यक्रम भी मनाएगा। इसलिए बिहार के सामने सब चुनौती है कि कैसे अगले 3 वर्षों में हाई एल्टीट्यूड रीजन HAR
HAR हार की चुनौतियों को हम जीत में बदलने की ताकत कैसे पैदा करें, इस संबंध में मैं समझता हूं कि DRDO को काम करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सफल आयोजन के लिए मैं DRDO को भी बधाई देना चाहता हूं, यहां के अपने जवानों को भी बधाई देना चाहता हूं, और जिन किसानों का सहयोग प्राप्त हुआ है उन किसानों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त।